ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कि खून किसी को सदका में देने के या खून देने के क्या क्या फ़ायदे हैं आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। इसका जो सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा है, ये खून जब किसी ज़रूरतमंद बंदे को मिलता है तो उसकी ज़रूरत पूरी होती है, और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसकी जान बच जाती है। नंबर टू, ये आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खून का अतिया आपके जिस्म में आयरन की सतह को बरकरार रखने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे हेमोक्रोमेटोसिस और दिल की बीमारियां जैसे बीमारियों के ख़तरे को कम करने में मदद मिल सकती है। खून के नए खुलिए पैदा करता है। खून अतिया करने के बाद आपका जिस्म खो हुए खून को रीफिल यानी कि भर देता है, जिससे खून के नए खुलिए पैदा होते हैं जो आपकी सेहत को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। कैंसर से बचाओ, शायद ये आपको अजीब लग रही हो बात, खून का अतिया करने से आप कैंसर जैसी मोजी मर से भी बच सकते हैं। खून का अतिया देने से पहले आपका मुकम्मल मुआयना होता है। इस अमल के दौरान डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर चेक करता है और खून का टेस्ट होता है, जिससे आपको अपनी सेहत का भी पता चलता है, और अगर आप में कोई ख़राबी है तो आप इसको प्रॉपर ट्रीट भी कर सकते हैं, आप इसका इलाज कर सकते हैं। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। खून का अतिया करने से तनाव की सतह कम करने में आपकी उससे मदद मिल सकती है, और जब आपका तनाव कम होगा तो आप अपने टास्क मुकम्मल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपने शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस तरह के मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।